Hello and welcome to Bollywood Bala. I am Sunup. I am here with someone who needs absolutely no introduction, the fabulous and brilliant Ronit Roy. Ronit ji, सबसे पहली बात बता दो, आपके जो भी performances मैंने देखा है, बहुत intimidating लगते हैं sir upon screen. आज हम कैंडी की बात करेंगे, थोड़ा कैंडी जैसा soft soft रहना, नहीं तो मैं डर जाऊंगा सर. ठंड का मौसम है, but एक बात बता देता हूँ, you always hold audience hostage with your brilliant performance. Thank you so much. इस बार कैंडी में क्या कुछ नया अवतार में आप दिखेंगे और किस तरह मोहित करेंगे इस बार आप हमको? कैंडी जो शो है वो नाम उसका कैंडी है, लेकिन हमारे शो के रेफरेंस में कैंडी का मतलब कुछ और ही निकलता है. तो मैं मेरे कैरेक्टर का नाम है जयंत पारेख, जो रुद्रकुंड वैली स्कूल में इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाता है. और उसकी एक हिंट दे देता हूँ आपको. Okay. उसकी पूरी लड़ाई जो है वो ये है कि बच्चे कैंडी ना खाएं. तो अब आप सोच सकते हैं कि जिस कैंडी की हम बात कर रहे हैं वो वाली कैंडी नहीं है जो जनरल स्टोर में पाई जाती है. ट्रू, ये अलग टाइप की कैंडी है. और जयंत पारे की लड़ाई ये है कि बच्चे कैंडी से दूर रहे. और जयंत की लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिस ड्रग्स की वजह से उसने अपनी बेटी को खो दिया, 17 साल की बेटी को. ओके. तो दैट हैज़ वो बात उसके दिल में घर कर गई है. और अगेंस्ट कैंडी, जो हमारे शो का कैंडी जो है, ओके, उसके विरुद्ध जो लड़ाई है वो लड़ रहा है. तो एक सोशल मैसेज के साथ भी आ रहा है ये वेब सीरीज. देखिए, सबसे पहले तो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो हम बना रहे हैं ये कोई इट्स नॉट अ डॉक्यूमेंट्री, इट्स नॉट अ एजुकेशनल, इट्स मेंट फॉर एंटरटेनमेंट. इट इज़ नॉट जस्ट जयंत पारेख, देर आर अदर पीपल इन द शो. देयर इज रत्ना, डीएसपी रुद्रकुंड, दैट इज बीइंग प्लेड बाय रिचा चड्डा. रत्ना संखावर एज अ कैरेक्टर इज कॉल्ड, हैज हर ओन जर्नी, उनके अपनी स्ट्रगल्स हैं. बाकी जो कैरेक्टर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स में से कुछ स्टूडेंट्स जो हैं उनकी एक अलग लड़ाई है. उनके रिलेशनशिप्स के जो डायनामिक्स है वो अलग हैं. देर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ अ हॉरर एलिमेंट. इट्स नॉट अ हॉरर शो, बट देर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ अ हॉरर एलिमेंट विच इज़ एक्चुअली द मेन सस्पेंस ऑफ द ओके वन ऑफ द मेन सस्पेंस. इसमें बहुत सारे मेन सस्पेंसेज है. ओके. तो इट्स नॉट जस्ट वन ट्रैक, देर आर मल्टीपल ट्रैक्स एंड ऑल ऑफ देम आर एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग. मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो मैं मुझे ऐसा लग रहा था, अरे ये भी कैरेक्टर मुझे करना चाहिए, ये भी कैरेक्टर. तो इतने सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं. ओके. शो में बहुत झटपट हाँ बोल दिया था आपने स्क्रिप्ट को, या टाइम सर? ये इस स्क्रिप्ट को मैंने 2.5 साल पहले हाँ बोला. ओके. हाँ, तो 2.5 साल पहले हाँ बोला था. ये वूट के लिए बनने वाला था और वूट के साथ मेरी मीटिंग भी हुई थी. ओके. बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस तब ये शो नहीं बना. और ये मिड 2020, टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2020, अगस्त सितंबर में हमने डिसाइड किया कि अब नाउ वी आर रेडी टू शूट द शो. ओके. एंड लकीली ऑप्टिमिस्टिक्स फॉर मी इज विपुल डी शाह, हु इज लाइक अ ब्रदर. तो है ना, जो शो में करना चाह रहा था, जो कैरेक्टर में करना चाह रहा था, वो शुरू हो गया. और मेरा भाई प्रोड्यूस कर रहा है. एंड आप तो हैं ही, कल से हैं यहाँ, देख रहे हैं वादियों में हसीन वादियाँ. दो दिन इंटेंस सीन्स भी देखे हमने आपके, एक छोटा सा स्लाइट एक्शन भी देखा. हाँ. एक्शन है आपकी तरफ से और हार्डकोर एक्शन? नहीं नहीं, एक्शन एक्शन नहीं है इसमें. बिकॉज दिस मैन इज़ नॉट अ फाइटर, ही इज़ अ टीचर. पर जब हम लोग कर रहे थे, ये कैरेक्टर बिल्डअप कर रहे थे, तो मैंने एक फिक्टिशियस कैरेक्टर दिया था इनको, श्यामलाल. श्यामलाल वो होता है जो पजामा और कुर्ता पहन के अपने छोटे से बच्चे को लेकर बाजार में फल और सब्जी खरीदने गया है. हाँ. अपनी बीवी के कहने पर, और उसके बेटे को कोई छेड़ देता है. तो श्यामलाल अब क्या, श्यामलाल किराने की दुकान चला है. पर जब बेटे को छेड़ता है तब उसमें से जो अंदर से यू नो द प्रोटेक्टिव साइड ऑफ अ फादर, वो जो निकल के आता है, तो वो है जयंत में. ही इज़ अ सॉफ्ट पर्सन एंड आई थिंक फर्स्ट टाइम पीपल विल सी मी इन दिस काइंड ऑफ. ओके. और थोड़े और इंटरनल ट्रॉमास भी हैं जयंत के. ओके. ऑफ कोर्स एंगर इज अ स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ जयंत.
एंगर इरिटेशन, तो उसमें से जो फिर वायलेंस निकल के आती है, इट्स दैट काइंड ऑफ वायलेंस. सर बट एंगर से मुझे याद है आपका जो इंटिमिडेशन, द वे आई बिगन द वीडियो, बहुत ही पावरफुल लगता है ऑन स्क्रीन. एंड आप विलनी अवतार भी जब करते हैं बहुत पावरफुल लगते हैं आप. तो रियल लाइफ में आप कूल एंड काम है या गुस्सा बहुत जल्दी आता है आपको? मैं रियल लाइफ में मैं आप सबके जैसा ही हूँ. अच्छा. गुस्सा बहुत जल्दी नहीं आता मुझे, गुस्सा नहीं आता मुझे, इरिटेशन होती है. इरिटेशन इस बात से होती है कि मैं एक बार दो बार तीन बार समझाता हूँ आराम से, प्यार से, मोहब्बत से. उसके बाद जब जो होता है कि लोग समझते नहीं हैं और फिर वही गलतियाँ जो बार बार दोहराते हैं, और एक एक जो मीडियोक्रिटी का सामना मुझे करना पड़ता है, जो फुलिशनेस का सामना मुझे करना पड़ता है ऑन अ डे टू डे बेसिस, उससे मुझे थोड़ी इरिटेशन होती है कि क्यों, जब तुम्हारी नाक पे रखा हुआ है, नाक दिख रहा है, तुमको समझाया गया है तीन बार, फिर क्यों नहीं समझ रहे. तो दैट इरिटेट्स मी. इट्स नॉट एंगर, इट्स नॉट रेज. आई वेरी सेल्डम बिकम एंग्री. आई एम नॉट अ वेरी एंग्री पर्सन. हाँ, आई एम नॉट अ वेरी एंग्री पर्सन, बट या आई डू गेट इरिटेटेड. और फिर कोई फिर छेड़ देता है तो फिर थोड़ा सा गुस्सा भी आता. तो जैसे जैसे आप हैं सर, मैं या कोई और है, जैसे हम सब हैं नॉर्मल, थोड़ा हाँ गुस्सा भी आता है. और गुस्सा आता है तो वही मेरे को एक डेढ़ मिनट से ज़्यादा गुस्सा. मेरा अच्छा रिलेशनशिप रहा है रोनित साहब के साथ और बहुत पुराना रहा है. आई थिंक मैग्ना के टाइम्स में आपको जानता हूँ. हाँ हाँ, बहुत सर. डिजिटल की दुनिया कितना एंजॉय कर रहे हैं आप? ये मेरे लिए तो मेरा मैं नहीं सोच पाता ये. ओके. मैं टीवी कर रहा हूँ या मैं डिजिटल कर रहा हूँ या मैं सिनेमा कर रहा हूँ, मेरा ध्यान मेरे काम पे होता है. और कुछ लोग होते हैं, जैसे मेरे राइटर्स होते हैं, मेरे डायरेक्टर होता है, मेरा डीओपी होता है, जो हम लोग मिलके जो कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, मेरा ध्यान उस पर होता है. अब वो कहाँ दिखाया जाएगा कहाँ नहीं दिखाया जाएगा उससे मुझे क्या लेना देना. ओके. Okay. मेरा ध्यान अपने काम पे होता है. एंड फॉर मी माई वर्क इज़ ऑलवेज 300%. वेदर इट इज़, ऐसा नहीं कि अभी मैं टीवी कर रहा हूँ तो कम दूंगा टैलेंट, या सिनेमा में ज़्यादा दूंगा, ओटीटी में मीडियम दूंगा, ऐसा आई डोंट थिंक लाइक दैट. For me, work is work, and you know, whichever medium it is, एक हर एक प्रोजेक्ट की, जैसे कैंडी की है, एक अलग ही जर्नी होती है. Okay. I think पहली बार मैंने अपने करियर में दो महीने होमवर्क किया है इस कैरेक्टर के लिए, और अभी भी मैं बहुत बड़ा कन्फ्यूज हूँ. तो मैं हर शॉट के बाद डायरेक्टर को पूछता रहता हूँ, राइटर्स को पूछता रहता हूँ कि क्या भैया कुछ कहीं, यू नो, आई होप वी आर नॉट गोइंग रॉन्ग. देखिए बरसात, ओले भी पड़ने लगे हैं अभी. कैंडी का नाम लेते ओले पड़ने लगे. ओके सर, जाने से पहले कोई आपको एक फेमस डायलॉग कैंडी का जो आप पंच लाइन मारे होंगे इस शो में, समथिंग फॉर आवर व्यूअर्स, वन लाइन, वन वर्ड में? हाँ, एक 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 लाइन थी जो फिर हमने निकाल दी थी, तो वो लाइन मैं बोल देता हूँ. तो जो हमारे जो मेन विलन है, तो वो थोड़ा सा एग्रेसिव टाइप के हैं, बहुत कमाल का कैरेक्टर उनका, मनु ऋषि सर का, मनी रनावत का कैरेक्टर का. तो उनको पुलिस स्टेशन में मैंने बोला था, फिर वो लाइन हमने निकाल दी, हमने सोचा कि छोड़िए उसको साइलेंस में प्ले करते. तो मैंने मनु सर को बोला था कि टीचर हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी. क्या बात है सर, क्या बात है सर. आपके इस पावरफुल बैरिटोन का भी सीक्रेट बता दीजिए. ये पता नहीं क्या, आई थिंक ऐसी ओवर, आई थिंक एज के साथ थोड़ी ऐसा. रोनित साहब बीइंग वेरी मॉडेस्ट, थैंक यू वेरी मच सर, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर कैंडी एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू कैंडी एज वेल एज योर फ्यूचर प्रोजेक्ट. थैंक यू सर. थैंक यू.